मैं सीधे पढ़ा देता हूँ, छोड़ इसको इससे कर लेता हूँ, वहाँ पढ़ा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या है? मैंने आपको कहा था एटम, सेम एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, सही है? या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो बट डिफरेंट न्यूट्रॉन हो, उसे भी हम आइसोटोप्स कहते हैं, सही है? तो हाइड्रोजन की तीन आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से। प्रोटियम इसको फर्स्ट आइसोटोप कहते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, जीरो न्यूट्रॉन होता है, सही है? और ड्यूटेरियम की बात करें, अच्छा प्रोटियम जो होता है वो H11 से शो करते हैं, P11 से भी शो कर सकते हैं इसको, सही है? आमतौर पे जो प्रोटियम होता है वो H2O बनाता है, सही है? इट कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड वन प्रोटॉन, बट देयर इज नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अच्छा हाँ, इसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं, सही है? इसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो ड्यूटीरियम जो होता है वो सेकेंड आइसोटोप होता है, इसको 1-2 से भी शो करते हैं, सही है? और ये D2O बनाता है, हैवी हाइड्रोजन बनाता है D2, और आपके पास D2O बनाता है। अच्छा अगर आप एक सैंपल ऑफ गैस ले लेते हैं, हाइड्रोजन का सैंपल ऑफ गैस ले लेते हैं, आपने एक गुब्बारा लिया है, बैलून लिया, उसके अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को फिल कर लिया, तो 99% जो है वो उसमें प्रोटियम होता है, 0.156% जो होता है वो ड्यूटीरियम होता है, और 4·5% जो होता है वो -5 है, सही है? इसको सही कर लीजिएगा, -5% जो होता है वो क्या होता है आपका, ये प्रोटियम होता है, सही है? प्रोटियम थर्ड आइसोटोप होता है, प्रोटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं? वो आइसोटोप होते हैं जिनके जिनके एटम्स एक एक वक्त के बाद जो है वो टूट जाते हैं, सही है? और जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, इनकी अपनी एक हाफ लाइफ होती है, और ऑब्वियसली बात है ट्रिटियम की भी हाफ लाइफ कितनी होती है? 12.5 ईयर्स होती है, सही है? हाफ लाइफ क्या होती है? एक वक्त, वो वक्त होता है जब एटम टूट जाता है दोस्तों में, सही है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, एटम आपके पास है, कोई सा भी एटम आपने ले लिया, सही है? एक वक्त आएगा इसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, एक वक्त आएगा जो रेडिएशन है वो जब निकल जाएगी इसमें से, तो ये आधा रह जाएगा, तो वो जब आधा रह जाएगा उससे कहते हैं हाफ। तो ट्रिटियम जो होता है वो 12.5 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, सही है? अब आगे की बात सुन लें, डिस्कशन आगे की सुन लें, तो जो जो बातें मैं पढ़ा चुका हूँ वो मैं आपको फिर बता रहा। अच्छा एटॉमिक हाइड्रोजन और नेचुरल हाइड्रोजन के बारे में बताया था। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है? आपके पास सिंगल हाइड्रोजन को एटॉमिक कहते हैं, अगर टू की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में, सही है? तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे टू की फॉर्म में, तो उसे हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती,
क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होती है, इसको एटॉमिक फॉर्म में हम ला सकते हैं सही है, लेकिन ये 1/3 seconds के बाद वापस क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है सही है। तो हाइड्रोजन एट ए टाइम ऑफ जनरेशन ड्यूरिंग रिएक्शन इन एटॉमिक स्टेट, सो इट्स कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। अच्छा एटोमेशन हाइड्रोजन भी इसको कह सकते हैं, जो रिएक्शन के दरमियान एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है उसको नेशन हाइड्रोजन भी कहते हैं सही है। अच्छा एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हम हाइड्रोजन गैस को लें और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, ट्यूबलाइट वैसे होती है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, गैस को फिल कर लिया हाइड्रोजन को और उसको हीट कराया सही है। अब इलेक्ट्रिकली हीट भी करा सकते हैं हम उसे सही है, इलेक्ट्रिकली हीट कैसे कराएंगे, हाई वोल्टेज सोर्स उसको लगा दें हम और प्रेशर 0.1 से 1 mm Hg के बराबर होगा, तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगी, मॉलिक्यूलर नेशन या सॉरी एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगी। एटॉमिक हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं सही है। अच्छा और अगर आप दूसरा इसका तरीका क्या है, आप हाइड्रोजन को हीट करें इन एब्सेंस ऑफ एयर सही है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दो एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगी सही है भाई। अच्छा एक और चीज सुन लें इसमें, ये 104 kcal/mol जो इतनी एनर्जी होती है, अगर मेरे पास इतनी एनर्जी आ जाए तो मैं सारी कुर्सियों को अपना एक हाथ से उठा सकता हूँ, इतनी एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है इसको तोड़ना। अच्छा एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं उसमें यही एनर्जी हमारे पास यूज आती है, यही एनर्जी हमारी यूज हो रही होती है एटॉमिक बॉम्ब्स में ना, होता क्या है फ्यूजन, एक होता है फिजन रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन से हम एनर्जी को बनाते हैं और वो जो एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करती है, जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करती है तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन में चले आते हैं, तो 1/3 seconds के बाद ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है ये वापस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती है, जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती है तो होता ये है कि इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती है तो होता ये है कि ये एनर्जी रिलीज करती है, जो एनर्जी रिलीज जो इसने एब्जॉर्ब की होती है ड्यूरिंग एटॉमिक हाइड्रोजन बनने के दरमियान सही है, तो वो एनर्जी क्या होती है, फिर वही डिजास्ट्रस एनर्जी होती है जो एटॉमिक बॉम्ब में यूज होती है सही है। एटॉमिक हाइड्रोजन बता चुका मैं, नेशन हाइड्रोजन क्या होती है, रिएक्शन के दरमियान जो हाइड्रोजन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, नेशन हाइड्रोजन कहते हैं सही है, और ये डिसअपेयर हो जाती है, हम अज्यूम कर सकते हैं ये बनी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कास्टिक सोडा है NaOH, NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया सही, एक बीकर ले लिया जिसमें NaOH का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें थोड़ा सा जिंक डाल दिया सही, उसमें नेशन हाइड्रोजन बन रही होगी लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, हम अज्यूम करते हैं सही है, अगर हम कोई और कंपाउंड डालें तो ये हमारे पास यूज होगी सही है। आगे की बात सुन लें, अच्छा ये कुछ रिएक्शन हैं ये भी देखिएगा, मैंने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बताया था लास्ट टाइम, तो बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल आप क्या करें, रेड हॉट कोल ले लें बिल्कुल जल, क्या नाम है, रेड हॉट हो कोयला, जैसे बारबेक्यू वगैरह में आप लोग कोयला जलाते हैं तो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है सही है, तो रेड हॉट कोल के ऊपर से अगर आप स्टीम को गुजारें, स्टीम क्या है आपके पास पानी, पानी को उसमें कन्वर्ट करते हैं स्टीम में और उसको गुजारें तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ये मिक्सर होता है सही है, किसका मिक्सर है, ये वाटर गैस कहलाती है। अच्छा हम पढ़ के आ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेकिन हमारे पास बना गया मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लेकिन हमें इसमें से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिक्विफिकेशन और एक होता है बॉश प्रोसेस सही है। लिक्विफिकेशन में क्या करेंगे, हम इस मिक्सर को लिक्विफाइज कर देंगे -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सेटल हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी सही है। इसी तरह सेकंड मेथड क्या है, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, तो मैंने आपको कहा था स्टीम क्या होता है, वाटर, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, जिस वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि शुगर, शुगर C6 बल्कि ग्लूकोज C6H12O6 ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, तो डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है कंपाउंड दैट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं सही है। तो मीथेन गैस एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन गैस कहाँ आती है, आपके घरों में आती है,
मीथेन गैस ऑडरलेस होती है, ऑडरलेस का मतलब इसकी कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन इसकी खुशबू इसमें डाली जाती है ताकि ये कहीं से लीक हो तो पता चल जाए, सही है। तो मीथेन गैस और वाटर को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ इन एब्सेंस ऑफ निकल एस कैटलिस्ट 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये किस में कन्वर्ट आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट आता है। फिर इसका तरीका क्या है इसको अलग करने का, तो हम ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और कोबाल्ट लेते हैं, उसको पास करवाते हैं स्टीम के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में, फिर ये मिक्सर बन जाता है। और जब भी किसी चीज में कार्बन डाइऑक्साइड हो तो उसको सेपरेट करना बहुत ही आसान है। वो क्यों है इसको सेपरेट करना आसान, क्योंकि ये पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा जो आप लोग यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं जो उसमें डिजोल्व किए गए होते हैं, सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे तरीके से पानी में डिजोल्व हो जाती है, तो पानी में डिजोल्व करके कार्बन डाइऑक्साइड को अलहदा कर देते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है पानी में डिजोल्व नहीं होती तो बाहर निकल जाती है, सही। बाय द रिएक्शन बिटवीन स्टीम एंड मीथेनॉल, स्टीम और मीथेनॉल का रिएक्शन क्या है, आप उसको क्या करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, फिर आपको मिक्सर मिल जाता है, ये भी मैंने पढ़ा चुका था। अच्छा, पानी एक और तरीका जो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या तरीका होता है, आप एक बीकर लेते हैं उस पर पानी भर रहे हैं, पानी भरने के बाद उसमें क्या करें आप क्या कहते हैं पानी भर दें, पानी में एसिड बेस या सॉल्ट जो भी आपको मौजूद हो आपके पास, इन तीनों को क्या करते हैं, इन तीनों में से एक को इसमें डालते हैं ताकि पानी आयनाइज हो जाए, फिर इसको हीट उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या मिलता है आपको कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्या मिलता है ऑक्सीजन मिलता है, सही है। फॉर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड क्या चीज है, तो हम क्या करते हैं हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर उसको मीथेन गैस को और फिर अमोनिया को, दो डिफरेंट तरीके हैं ये। अच्छा, इसमें जो कार्बन आपके पास मिलता है इसको कार्बन ब्लैक कहते हैं, कार्बन ब्लैक फिलर्स में यूज होता है, टायर के फिलर में यूज होता है, इंक में यूज होता है ये, सही है, और कार्बन पेपर वगैरह में यूज होता है, इसके बहुत सारे। अच्छा, कंपाउंड्स किसके कंपाउंड, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्राइड्स, देखें एक होता है ईएम आता है एक में आता है ईएम और एक में आता है आइड्स, तो ये हाइड्राइड्स है। तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं, आइड्स जो होता है वो उन कंपाउंड्स उन आइन्स के एंड में आता है जिस जो नेगेटिव होता है, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो क्लोराइड सीएल नेगेटिव को क्लोराइड, ब्रोमाइड डीआर नेगेटिव को ब्रोमाइड, सही है। तो आइड्स किस में आता है जिसके जो नेगेटिव हो, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी बनाते हैं और नेगेटिव आयन भी बनाते हैं। अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो, चले अच्छा हाइड्रोजन मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा इसको बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। बाइनरी क्यों कहते हैं इसको, बाइनरी का मतलब होता है दो दो एटम्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक दूसरा कोई सा भी एटम होता है, सही है भाई। इस अच्छा तो लिखा हुआ क्या है, हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट फॉर्म बाइनरी कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन फॉर्म विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग, अच्छा नोबल गैसेस के साथ ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते। तो कुछ कुछ मेजर ग्रुप इन्होंने किए हुए, तो वो कौन कौन से मेजर ग्रुप है वो सुन लें, तो एक है आपके पास आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड और बॉर्डरलाइन हाइड्राइड, सही है। तो कुछ ये हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है 6 में, सही है। तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस किसी कंपाउंड के हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्डो संख्या कहते हैं आयनिक हाइड्राइड, इसे सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, सॉरी हार्ड होता है आमतौर पे और क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो ये भी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, हार्ड होते हैं, सही है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखा हुआ क्या है, दीज टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A और 2A एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, सही, बेरिलियम और मैग्नीशियम आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, वरना 2A और 1A के एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है वो क्या बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, हाइड्रोजन को सोडियम के ऊपर से पास करवा दें और हाइड्रोजन को किसके ऊपर से पास करवा दें, कैल्शियम के ऊपर से, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
सॉल्ट, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जरा सुन लें। आयनिक हाइड्राइड्स आर कलरलेस नॉन वॉलिटाइल। नॉन वॉलिटाइल का मतलब होता है पेट्रोल को अगर आप फैला दें तो वो फॉरन से उड़ जाता है और उसकी स्मेल आपको मिलती है। जैसे एसिड्स को आप फेंक दें तो उसकी स्मेल आपको मिलती है। तो वॉलिटाइल क्या चीज होती है, जिनकी आप रखें तो वो उड़ जाए, उनको हम वॉलिटाइल कहते हैं। सही भाई। तो इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन वॉलिटाइल का मतलब ये अच्छा कलरलेस होते हैं, उड़ते नहीं है फॉरन से, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कोलिन हाइड्राइड वो हाइड्राइड्स होते हैं जो 3A और 7A के, 3A से लेके 7A के जो दरमियान जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो जो कंपाउंड बनाते हैं उनको हम कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं। दो तरह के मेथड के थ्रू इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। सही है भाई, ये दो कुछ मेथड है, इसको पढ़ लिएगा। वॉलिटाइल लिक्विड्स होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एक्सेप्ट वाटर। सही है। जो 3 और 4A के जो कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल बनाते हैं। सही है। 5A बेसिक बनाते हैं और 6 और 7A एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या मतलब इसका, HCl है फॉर एग्जाम्पल, H और Cl, H हाइड्रोजन है और Cl एक अदर कंपाउंड, दोनों को मिला दिया हमने HCl बन गया। HCl एक हाइड्राइड है, वो एसिडिक है। क्यों है एसिडिक, उसको अगर हम पानी में मिक्स करें तो वो एसिड बनाता है। सही है। HCl गैस की फॉर्म में होता है। तो आपको जो सोल्यूशन HCl के मिलते हैं वो HCl के सोल्यूशन बनाए जाते हैं। आमतौर पर HCl एक गैस है। सही भाई। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आमतौर पर किसके लिए यूज होता है, तो कॉम्प्लेक्स उन चीजों के लिए यूज होता है, उन चीजों के लिए यूज होता है जो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नेचर का मतलब एक से ज्यादा चीजों में। तो दो तरह के हाइड्राइड्स, सुनिएगा, दो तरह के हाइड्राइड्स। सही है। वो दोनों तरह के, दो तरह के हाइड्राइड्स, जैसे ग्रुप 3A और ग्रुप 1A के कुछ हाइड्राइड्स जो है वो अनस्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं, वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद एक नया हाइड्राइड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहते हैं। सही है। अच्छा, अब एक और बात सुन लें, मेटैलिक हाइड्राइड, इसको भी देख लिएगा, इसको पढ़ लिएगा, थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अच्छा, मेटैलिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जब भी याद रखिएगा किसी मेटल को हम रखें और उसके साथ हाइड्रोजन को हीट करवाएं, तो मेटल के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उन एम्प्टी स्पेसेस में हाइड्रोजन जाके ऑक्यूपाई कर जाती है। उस हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टीशियल हाइड्राइड भी कहते हैं और मेटैलिक हाइड्राइड भी कहते हैं। इंटरस्टीशियल हाइड्राइड क्या होता है, इंटरस्टीशियल हाइड्राइड शगाफ को कहते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेसेस होती हैं, इसकी वजह से बनता है। पॉलीमेरिक हाइड्राइड क्या होते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और मैग्नीशियम और बेरिलियम आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, एक अलग तरह के हाइड्राइड बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड कहते हैं। और लास्ट में बॉर्डरलाइन हाइड्राइड, तो बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द मेटल ऑफ ग्रुप 1B और 2B और 3A। सही है। तो उसको और 3A के दरमियान जो एलिमेंट्स होते हैं उनके, अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है मेटेलिक और कोवेलेंट हाइड्राइड के दरमियान होती है। तो ये कुछ हाइड्राइड्स के टॉपिक थे, ये मैंने आज आपको बता दिए हैं। इसमें कोई भी इश्यूज हो, प्रॉब्लम हो, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।